हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग को स्लीव्स की बहुत अच्छी और बहुत सिंपल डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें स्लीव्स का जो है मेजरमेंट ले लेना है, जैसे हम लोग नॉर्मल स्लीव्स बनाते हैं सेम वैसे ही हमें इसका मेजरमेंट रखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लेंथ इसका जो है 9 रखा है और इसको जो है स्लीव्स का शेप दे रही हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर। और इसको जो है कट कर लेंगे हम लोग। तो जो भी आपका स्लीव्स का मेजरमेंट हो, आप इसको 3/4 भी कर सकते हैं, तो वैसे आप रख के इसको कट कर लीजिएगा। देखिए, हमारा स्लीव्स यहाँ पर कट हो चुका है। देखिए, मेरा दोनों ही स्लीव्स मैंने कट कर लिया है यहाँ पर। और इसके लिए अस्तर भी हम लोगों ने कट कर लिया है सेम इसको बैठा कर। तो आप लोग बिना अस्तर का करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो अब इसे जो है हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे एकदम मिडिल से, देख सकते हैं इसके अस्तर को भी, और इसको और इसे कट कर लेंगे एकदम मिडिल में। हमें इसे कट लगाना है, देखिए इस तरह से। तो देखिए, टोटल ये अब 4 जो है इसका पार्ट हो चुका है, 2 अस्तर का और 2 इसके मेन फैब्रिक का। इसके बाद इसको इस तरह से रख कर इसके ऊपर हम इसका अस्तर रख लेंगे और सिर्फ जो इसका जो हिस्सा जो हम लोगों ने कट किया है वहाँ पर एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो नीचे भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर इसे स्टिच करूँगी। देखिए, मैं सिर्फ कटे हुए हिस्से पर ही जो है स्टिच कर रही हूँ। और अब जो है इसके अस्तर को जो है अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ऊपर एक चाप सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इसके ऊपर चाप सिलाई लगा लिया है ताकि कपड़ा हमारा एकदम अच्छे से सेट रहे। अब इसके चारों तरफ जो है हम लोग इसके अस्तर को बैठा कर स्टिच कर लेंगे। तो ये स्लीव्स बहुत इजी है फ्रेंड्स, इसमें हमें किसी भी तरह की कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैंने कट कर लिया है यहाँ पर। और सेम इसी तरह से जो है इसका दूसरा जो पार्ट है स्लीव्स का, उसको भी हम लोग सेट कर लेंगे इसके अस्तर पर। देखिए, सेम उसी प्रोसेस से। तो फ्रेंड्स, मैं हर रोज़ 5:30 बजे आप सबके लिए कुछ नया लेके आती हूँ, जिससे आप लोग घर बैठे ही कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। तो रोज़ 5:30 बजे कुछ नया देखने के लिए आ जाइएगा। तो देखिए, हमारा ये स्लीव्स भी रेडी हो चुका है। अब मैंने दोनों को जो है इस तरह से एक साथ रखा है, इसके सामने इसको सेट किया है। अब हमें जो है इस तरह की लेस वाली जो है गोल्डन बॉल चाहिए, देखिए इस तरह का। आप लोग चाहे तो सिंगल बॉल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लेस लिया है और यहाँ से जो है बॉल को निकाल ले रही हूँ। आप लोग चाहे तो इस तरह का भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको अंदर की तरफ रख कर, ये भी एक डिज़ाइन है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको अलग डिज़ाइन दिखा रही हूँ, जो कि मैंने थंबनेल में दिखाया है। तो इसके लिए बस हमें जो है बॉल्स लेनी है और इसके लिए सुई धागे की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, मैंने एकदम स्टार्टिंग से 1/2 इंच छोड़ा है कपड़े का और इसमें देखिए एक बार मैं छोटे बॉल लगा रही हूँ, उसके बाद बड़ा बॉल, फिर एक छोटा बॉल, यानी कि 3, देख सकते हैं 3 गोल्डन बॉल मैंने यहाँ पर लगाए हैं। और ठीक एक सिरे से दूसरे सिरे में इसे अटैच करना है ताकि जो हमारा स्लीव्स जॉइंट हो जाए और ये जो बॉल है एकदम मिडिल में रहे। तो देखिए कुछ इस तरह से, लेकिन आप लोग ऊपर 1/2 इंच ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि वो हमें स्टिचिंग में ज़रूरत पड़ेगी उसकी। आप लोग चाहे तो इस डिज़ाइन को थोड़ा तिरछा करके भी लगा सकते हैं या फिर जो इसको स्ट्रेट भी स्टिच कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक तो बॉल यहाँ पर सेट कर लिया है और इसके बाद जो हमें कितना गैप रख कर इसको सेट करना है, इसके लिए मैं चौक से निशान बना रही हूँ। आप लोग चाहे तो 1/2 इंच करके भी इसको छोड़ सकते हैं, जैसा भी आपको लगे आप लोग इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने पूरे ब्लाउज़ में जो है निशान बना लिया है स्लीव्स में, और सेम जो है दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखकर प्रेस कर ले रही हूँ ताकि निशान इस पर भी आ जाए और जो दोनों बॉल स्टिच हो तो एकदम सेम सेम हो। तो देखिए, इसके बाद मैं फिर से एक देखिए बड़ा बॉल और एक छोटा सा बॉल ले रही हूँ। इस बार मैं 2 से करके दिखा रही हूँ कि मैं आप लोग को समझाने के लिए कर रही हूँ। देखिए कि ये 2 रहने पर कैसा लगता है, 3 बॉल ऐड करने से कैसा लगता है। लेकिन मैं यहाँ पर बस सिंगल बॉल से ही पूरे जो है स्लीव्स को अटैच करूँगी, स्लीव्स को रेडी रखूँगी। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है ये देखने में। तो यहाँ देखिए, हमारा स्लीव जो है रेडी हो चुका है, मैंने पूरी बॉल जो है अटैच कर ली है और मैंने बस एक
बड़ा बॉल ही इसमें अटैच किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा गैप नहीं चाहिए था स्लीव्स में, इसलिए मैंने सिंगल बॉल ही अटैच किया है। और देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग आया है, इसका बैक भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब जो है फ्रेंड्स, इसके नीच जो है, इसके नीच को हम लोग फोल्ड करेंगे कपड़े को, देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से फोल्ड करना है और देखना यह है कि हमें दोनों स्लीव्स का जो नीचे का हिस्सा है वो एकदम इक्वल होना चाहिए, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से मैं इसको जो है फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। फ्रेंड्स इससे पहले भी मैंने बहुत सारे स्लीव्स के डिज़ाइन दिखाए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए मैंने नीचे भी फोल्ड कर लिया है, अब जो है हम इसको इसके माप के अकॉर्डिंग जो है इसको स्टिच करेंगे, जो भी इसका मेजरमेंट है स्लीव्स का। तो देखिए मैंने नीचे जो है 6.5 ले लिया है और ऊपर की तरफ हमें ज़्यादा रखना है, यानी कि मैंने 8 लिया है और कुछ इस तरह से जो हमें शेप दे देना है इसको और इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ मैं डबल स्टिच कर ले रही हूँ ताकि ये आसानी से खुल ना जाए। तो यहाँ देखिए स्लीव्स हमारा रेडी हो चुका है, अब जो है मैं इसको मेन फैब्रिक यानी कि इसका मेन जो ब्लाउज है इसके साथ इसको अटैच करूँगी। तो देखिए हमें अटैच करते समय ये ध्यान रखना है कि जो भी ब्लाउज का शोल्डर है और स्लीव्स का जो डिज़ाइन है एकदम इक्वल हो, ताकि जब भी हम ये ब्लाउज़ पहने तो हमारा डिज़ाइन एकदम सीधे की तरफ आए, फ्रंट में रहे। तो इसलिए देखिए जैसे स्लीव्स हम लोग अटैच करते हैं सेम वैसे ही करना है, लेकिन बस डिज़ाइन को एकदम शोल्डर के जो है एकदम सामने रखना है, देखिए कुछ इस तरह से। और फिर जो इसको इक्वल रख के आप चाहे तो यहाँ पर पिन भी लगा सकते हैं ताकि ये जो है इधर से उधर ना हो जाए। और पूरे राउंड में जो है हमें इसको इस तरह से स्टिच करते जाना है और स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो स्लीव्स कैसे अटैच करनी है इसकी भी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और देखिए। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसी तरह जो है स्लीव्स को एडजस्ट करते हुए पूरी जो है ब्लाउज में इसको स्टिच कर लूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर ना तो लाइक करते हैं ना ही कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ अगर कुछ भी आपको गलत लगे, कुछ ठीक नहीं लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर जो है काम करूँगी और उसको और भी बेटर करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए यहाँ हमारा जो है स्लीव्स अटैच हो चुका है, आप देख सकते हैं एकदम शोल्डर के सीधे सीधे हमारा डिज़ाइन है और ऐसे ही आपको भी रखनी है। तो देखिए प्रॉपर हमारा स्लीव्स ऐड हो चुका है, अब मैं इसका पूरा फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये इसका बैक नेक है और बैक नेक कैसे बनाना है मैंने इसके लिए वीडियो बनाई है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और देखिए इसका स्लीव्स देखिए कितना परफेक्ट जो है ये स्टिच हुआ है, कितनी सुंदर लग रही है इसकी डिज़ाइन। और ब्लाउज़ हमारा रेड गोल्डन में है और गोल्डन बॉल है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों स्लीव्स मैंने इसी तरह से जो है अटैच कर ली है और मेरे हाथों पे देखिए मेहंदी लगाई है मैंने। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ब्लाउज़ की स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल ठीक 5:30 बजे, तब तक के लिए हर हर महादेव।